प्रधानमंत्री की मूर्ति जिनके नाम पर इस अकेडमी का नाम रखा गया है। इसके बाद हम पहुंचते हैं सरदार पटेल हॉल के सामने। ये अकेडमी की सबसे पुरानी बिल्डिंग्स में से एक है और यहाँ ऑफिसर ट्रेनीज अक्सर अलग अलग सेशंस के लिए आते रहते हैं। मेन कैंपस में पहुंचने से पहले आता है डायरेक्टर्स ऑफिस। इस ऑफिस में लबसना और उसके कैंपस से जुड़े सारे इम्पोर्टेंट डिसीजंस लिए जाते हैं। ये भी कैंपस की सबसे पुरानी बिल्डिंग्स में से एक है और 1959 से लेकर लबसना के सारे डायरेक्टर्स का ऑफिस यही रहा है। डायरेक्टर्स ऑफिस के पास ही है सेंट्रल स्क्वायर, जो अलग अलग एडमिनिस्ट्रेटिव एंड एकेडमिक बिल्डिंग्स के बीच में स्थित है। गर्मशीला की स्थापना 1992 में की गई थी। ये एक इम्पोर्टेंट ब्लॉक है। यहाँ कॉन्फ्रेंस हॉल्स, सेमिनार हॉल्स, लाइब्रेरी, लाउंज एरियाज, मेस फैसिलिटीज जैसी कई सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है। यहाँ स्थित है गांधी स्मृति लाइब्रेरी, इंडिया के सबसे बड़े लाइब्रेरीज में से एक मानी जाती है, जहाँ अमूल्य और दुर्लभ किताबों, मैन्युस्क्रिप्ट्स और लेखों का भंडार है। ध्रुवशीला, कर्मशीला के पास ही कैंपस की एक और इम्पोर्टेंट बिल्डिंग है, जिसका नाम है ध्रुवशीला। ज्ञानशीला की स्थापना से पहले ध्रुवशीला ही लबसना का एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक थी और राज भी यहाँ कैंपस से जुड़े फैकल्टी मेंबर्स की ऑफिसेज हैं। चार लेवल बिल्डिंग पास में है, चार लेवल बिल्डिंग। इसको रेनोवेशन से पहले लैंग्वेज ब्लॉक के नाम से जाना जाता था। लैंग्वेज क्लासेस के अलावा ओटीज यहाँ के हॉल्स में तरह तरह की एक्टिविटीज, इवेंट्स और एग्जीबिशंस के लिए आते हैं। इस बिल्डिंग का नाम चार लेवल होटल के नाम पर रखा गया है, जो यहाँ 1984 में लगे एक भीषण आग में झुलस गया था। पर उसी त्रासदी के बाद रेनोवेशन करा के ये खूबसूरत कॉम्प्लेक्स तैयार किया गया और आज यहाँ कई सारी नई इमारतें खड़ी की गई हैं। कालिंदी गेस्ट हाउस सेंट्रल स्क्वायर से थोड़ी दूरी पर लबसना का मेन गेस्ट हाउस है, जिसका नाम है कालिंदी। इस कॉम्प्लेक्स में सीनियर विजिटिंग फैकल्टी और अकेडमी के गेस्ट के रहने के लिए सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है। संपूर्ण आनंद ऑडिटोरियम लबसना का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है। यह लबसना के सबसे ऊंचाई पे बनी इमारत है। इस ऑडिटोरियम में 450 से भी ज्यादा लोग एक बार में बैठ सकते हैं। ट्रेनीज के सारे कल्चरल और एंटरटेनमेंट प्रोग्राम्स जैसे कि फिल्म स्क्रीनिंग, फेस्टिवल सेलिब्रेशन और बाकी सभी इम्पोर्टेंट फंक्शंस इसी ऑडिटोरियम में होते हैं। कई कोर्सेज के इनॉग्रल और वैलिडेक्टरी फंक्शंस यही कंडक्ट किए जाते हैं। एएन झा प्लाजा लबसना का एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक ज्ञानशीला पहुंचने से पहले हमारे सामने आता है एएन झा प्लाजा, जिसका नाम अकेडमी के पहले डायरेक्टर श्री आदित्यनाथ झा के नाम पर रखा गया था। कैंपस के अलग अलग ब्लॉक्स के रास्ते सब यहीं पर आके मिलते हैं, इसीलिए ये ट्रेनीज और फैकल्टी दोनों का ही कैंपस का सबसे पसंदीदा हिस्सा है। ग्रुप फोटोज के लिए भी ये एक फेवरेट स्पॉट माना जाता है। ज्ञानशीला लबसना के सबसे इम्पोर्टेंट ब्लॉक्स में से एक है। ये बिल्डिंग 2010 में कंप्लीट हुई थी और अब यहाँ सारे ऑफिसर्स के अलावा लेक्चर हॉल्स, सेमिनार हॉल्स, गेस्ट डाइनिंग हॉल्स, लाइब्रेरी, लॉन्च और मेस जैसी फैसिलिटीज भी उपलब्ध है। लबसना का सारा एडमिनिस्ट्रेटिव काम इसी स्टेट ऑफ द आर्ट बिल्डिंग से होता है। यहाँ अकेडमिक क्लासेस का भी प्रबंध है। इस बिल्डिंग में विशाल नेहरू ऑडिटोरियम के अलावा 12 सेमिनार हॉल्स भी है, जिसमें कई प्रकार के इवेंट्स, लेक्चर्स और अलग अलग एक्टिविटीज एक साथ करवाई जा सकती हैं। आधारशिला, जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिव और अकेडमिक एक्टिविटीज होती हैं, ये लबसना की सबसे नई बिल्डिंग्स में से एक है। आधारशिला में 4 लेक्चर हॉल्स के अलावा कंप्यूटर लैब्स भी हैं। कैंपस की पुरानी बिल्डिंग्स में से एक है। ये हॉस्टल इस अकेडमी की परंपरा और इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और यहाँ रहने की व्यवस्था के अलावा एक फेमस पिक्चर गैलरी भी है, जो कि इस अकेडमी के इतिहास को बयान करती है। कावेरी हॉस्टल
नर्मदा हॉस्टल और गंगा हॉस्टल। लबसना के फाउंडेशन कोर्स में भर्ती होने वाले ओटीज ज्यादातर इन्हीं में से एक हॉस्टल्स में रहते हैं। इन तीन हॉस्टल्स में, जी हाँ, जिनके नाम भारत की तीन बड़ी नदियों के नाम पर रखा गया है और यहाँ लगभग 130 ट्रेनीज के रहने की कैपेसिटी है। गंगा हॉस्टल कैंपस का सबसे बड़ा रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है। राइडिंग ग्राउंड लबसना में हॉर्स राइडिंग यानी कि घुड़सवारी की बहुत अच्छी फैसिलिटीज अवेलेबल है, क्योंकि हॉर्स राइडिंग नए ओटीज के लिए एक आत्मविश्वास बढ़ाने वाली एक्टिविटी मानी जाती है। प्लेग्राउंड एंड क्लब, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, इतनी एक्स्ट्रा करिकुलर के अलावा लबसना में एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी है जहाँ वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज अवेलेबल है। ट्रेनीज की फिजिकल हेल्थ और कॉम्पेटिटिव स्पिरिट कायम रखने के लिए यहाँ ओलंपिक साइज्ड स्विमिंग पूल, बास्केटबॉल कोर्ट, बैडमिंटन कोर्ट, टेनिस कोर्ट, टेबल टेनिस, बॉक्सिंग रिंग जैसी एक्टिविटीज की फैसिलिटीज के अलावा एक वर्ल्ड क्लास जिम भी है। पास ही प्लेग्राउंड में ट्रेनीज अपने मनपसंद के स्पोर्ट्स खेल सकते हैं। तो दोस्तों, ये था लबसना का वर्चुअल टूर। हमें उम्मीद है कि पहाड़ों में छुपी हुई इस अनोखी अकेडमी की साइनिक ब्यूटी, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रेनिंग फैसिलिटीज को देखकर आप भी उतने ही इम्प्रेस हुए होंगे जितने कि हम। अगर आप भी यूपीएससी क्रैक करके आईएएस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं और आपको ये वीडियो पसंद आई